वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है। और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम रॉम कैसे इंस्टॉल करें जो कि Redmi Note 7 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है Redmi Note 7 और आप यहाँ पे वर्जन देख सकते हो 11.0.5.0 एंड्रॉइड 10 मिल जाता है 5th of September का। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो ये अपडेट के ऊपर अगर आपको यहाँ पे कस्टम रॉम में जाना है तो कैसे जाए उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, अपने डिवाइस का आपको बूटलोडर अनलॉक कर लेना है। तो अगर आपको यहाँ पे चेक करना है बूटलोडर लॉक है कि अनलॉक है तो आप चेक कर सकते हो। MIUI वर्जन के ऊपर 10 बार टैप करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शंस में जाना है जो कि यहाँ पे देख सकते हो OEM अनलॉकिंग जो कि बूटलोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस का बूटलोडर यहाँ पे अनलॉक है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे बूटलोडर अनलॉक करना है, उसके बाद जो है TWRP इंस्टॉल्ड कर लेना है। तो TWRP और बूटलोडर कैसे अनलॉक करें दोनों के ऊपर ऑलरेडी आप वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्ट बूटलोडर अनलॉक करना है, उसके बाद जो है TWRP इंस्टॉल कर लेना है। तो TWRP इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे TWRP में जाना है। तो TWRP में जाने के लिए आपको यहाँ पे पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर बटन को यहाँ पे रिलीज करना है, वॉल्यूम अप बटन को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ TWRP में। TWRP में आने के बाद वाइप में जाना है, एडवांस वाइप में जाना है, डालवे कैश सिस्टम वेंडर डेटा इंटरनल स्टोरेज सभी को यहाँ पे वाइप कर देना है। जो कि यहाँ पे देख सकते हो वाइप करने के बाद जो है आपको जो कस्टम रॉम इंस्टॉल करना है वो कस्टम रॉम डाउनलोड कर लेना है। वाइप करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो कस्टम रॉम होना वो कस्टम रॉम डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे OTG, अगर आपके पास SD कार्ड है तो आप SD कार्ड में कॉपी कर सकते हो। तो आपका जो है डेटा इरेज होगा, आपको यहाँ पे डेटा बैकअप कर लेना है। उसके बाद ये प्रोसेस करने जाना है, आपको यहाँ पे इंस्टॉल में जाना है, सेलेक्ट स्टोरेज, उसके बाद USB स्टोरेज, और आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे रॉम कॉपी किया था जो लोकेशन पे वो लोकेशन पे जाके रॉम को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और आपको यहाँ पे कंफर्म फ्लैश कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है, तो आपको यहाँ पे फ्लैश होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम क्लिक करना है, डो नॉट इंस्टॉल, तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना है जिससे कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो पिक्सी का जो है लोगो आ चुका है जो कि यहाँ पे PixysOS का। तो यहाँ पे जो है रॉम जो है सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो चुका है। यहाँ पे आप MIUI 11 से जो है यहाँ पे आप आ चुके हो PixysOS पे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे कि Redmi Note 7 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।